हेलो सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबका दिल दे राइडर में स्वागत है। तो आज हम आए हैं अपने दोस्त के घर, मेरा भाई प्यारा दोस्त गौरव। तो भाई आज हम भाई गौरव घुमाएंगे अपना गांव और छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे, जैसे भाई अपने खेतों में होती है फल फूल होते हैं और कैसे ये स्टोरेज करके रखते हैं अनाज का और अनाज कैसे सुखाते हैं। तो वैसे तो क्या है कि कटाई हो गई है, तो जो फूल थे या अभी सीजन ऑफ हो सीजन गया। ऑफ हो गया ना, तो अब जो जो है अब अपने खेत में लगा हुआ है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाते हैं आपको। और भाई की तो आंखें निकल रही है भाई, इतनी तेज तड़ाट धूप हो रही है भाई। तो ये देखो भाई, धूप देखो एकदम तेज है फुल, पर वही है धूप धूप है तो भाई क्या हो गया भाई, गांव में तो चलता ही है विटामिन डी, विटामिन नेचुरल विटामिन डी लो भाई। उन लोगों से पूछो जिनके वहाँ पे धूप नहीं आती। तो फॉरेनर्स भाई यहाँ इंडिया में स्पेशल आते हैं, गोवा जाते हैं। हम अब जाएंगे भाई टाटा नैनो में, एक गेड़ी लेकर आते हैं गांव की फास्ट वाली, और फिर आपको आके घर आके दिखाते हैं खेत की छोटी छोटी चीज़ें। और स्पेशली भाई उसके बाद भाई मैं आया हूँ ना, आज तो मेरे को लस्सी पीनी है भाई। भाई घर की लस्सी एकदम ऐसे भैंस के दूध की भाई, वो लस्सी पीनी है। चलो दोस्तों चलते हैं टाटा नैनो पे सैर करके आते हैं। चलो तो दोस्तों अब हम बैठ चुके हैं टाटा नैनो में। भाई ये देखो कितना जबरदस्त गाड़ी लग रही है, चाहे सीट की पेटी बांध लीजिए। हाँ भाई बांध, चाहे ये गाड़ी भाई छोटी सी लगती है बट ये गाड़ी में इतना लेग स्पेस है। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये गाड़ी तो सही में प्रोडक्शन में आनी चाहिए भाई। ये गाड़ी एक नंबर की गाड़ी है, ये बजट फ्रेंडली है, फ्यूल फ्रेंडली भी है। कितना दे देती है ये माइलेज? 25 की दे देती है ना। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं घर से, सो लेट्स गो भाई। टाटा नैनो भाई इतनी पतली है ना, कहीं से भी निकल जाती है। वो एक साइड का गेट खोल रखा था तब भी निकल गई भाई। जो भी बोलो भाई, मैं ये ना फैन हो गया हूँ भाई ये गाड़ी का। छोटी सी कॉम्पैक्ट कार है, इवन दो आई लाइक राइडिंग, बट अगर मैं राइड नहीं कर रहा तो आई वुड प्रेफर टू राइड दिस नैनो कार, बिकॉज कहीं से भी निकाल सकते हो इसको आप। तो यहाँ पे भाई साहब हम देख सकते हैं ज्वार और मक्का, ये गेहूँ सारे कट चुके हैं अभी, ये तूड़ा पड़ा है चारा में। हम देख सकते हैं कि भाई जैसे जैसे वक्त आ रहा है ना, तो ये सेक्टर कटने स्टार्ट हो गया है गांव की तरफ भी, है ना। अब कुछ ही गांव बचे हैं मोस्टली, नहीं तो धीरे धीरे एक्वायर होते जा रहे हैं सारे, मतलब सेक्टर गवर्नमेंट ने नगर निगम के अंडर कर, सब गवर्नमेंट ने नगर निगम के अंडर कर दिया है। तो ये कौन सा हाईवे निकल रहा है भाई? द्वारका एक्सप्रेस वे का, वो है 75 मीटर का, ये 75 मीटर है। हाँ एक्सप्रेस वे पे हम अभी चलेंगे। तो दोस्तों ये हम देख सकते हैं कौन सा मेडिकल कॉलेज है भाई, शीतला माता मेडिकल, यहाँ के बोर्ड लग रहे हैं। और ये सारा मतलब न्यू गुड़गांव के पैटर्न पे सब डेवलप हो रहा है, इवन दो कि गांव है तब भी डेवलपमेंट आ रही है। तो अब वो चीज़ नहीं है कि गांव डेवलप नहीं होंगे, अब धीरे धीरे भाई गांव भी डेवलप हो रहे हैं इंडिया के। और ये तो वैसे भी दिल्ली NCR है, तो NCR के गांव तो आपको पता ही है फोकस में आएंगे।
एक्सप्रेसवे है कनेक्टिविटी के लिए, ये सीधा एयरपोर्ट जाना हो इधर, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाके कनेक्ट होता है, या दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे। सही है भाई, सही है भाई। वही है कि आने वाले टाइम में ये एरिया इतना डेवलप हो जाएगा ना। सही है एरिया। अभी यहाँ प्रॉपर्टी भी साइड लेंगे 2.5 लाख रुपए गज चल रहा है, तो 100 गज का लेने के लिए आपको 2.5 करोड़। वही तो भाई, इतना एक्सपेंसिव हो चुका है ना एरिया का। एक्सप्रेस वे जो अभी बना है ना, इतना सही है पूरा, मतलब ना जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है ना, वैसे इन्होंने बना रखा है एकदम अंडरपास वगैरह ना, सब एक नंबर के हैं। ये इस साइड ओल्ड गुड़गांव है, इधर साइड न्यू गुड़गांव, बीच में बस रेलवे लाइन पड़ती है इधर, उसके अलावा ये सारा है। अभी ये सारा हम देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है एरिया, ये अंडरपास बन रहा है, अंडरपास बन रहा है। मैं अपने दोस्तों को ये बता रहा था कि भाई अब टाटा ने नैनो निकाली थी, अफोर्डेबल गाड़ी, अभी आती रहती प्रोडक्शन में तो कितना सही था, अपना गर्मी में अपना एसी में अपना आराम से घूम सकते थे कम प्राइस में। आई होप कि भाई ये वीडियो से आगे भी पहुंचे और एक इंस्पिरेशन मिले कि वापस ये कार को स्टार्ट किया जाए प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि कार भाई एक नंबर की गाड़ी है। दोस्तों ये देख सकते हो एरिया कैसे टाइम में ये कैसे डेवलप हो रहा है भाई, कनेक्टिविटी वाइज एंड ऑल। गुड़गांव का ये एरिया कमिंग टू 2-3 इयर्स में ये टॉप मोस्ट एरिया होने वाला, वो तो भाई देखने में लग रहा है ये एरिया इतने ऐसे डेवलप हो रहा है ना इतना फास्ट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हर कॉर्नर पे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, रेजिडेंशियल में है सारे। हाँ वही तो, रेजिडेंशियल है पूरा, तो ये भी अच्छा एरिया है इन्वेस्ट करने के लिए। विलास भी है ना इधर? हाँ विलास है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल है, खाली इंडस्ट्रियल नहीं है इस साइड। हाँ तो ये एक तो अच्छी बात है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ये एरिया मतलब पूरा रेजिडेंशियल है, और मतलब कनेक्टिविटी भी इसकी इतनी ज़बरदस्त है ना हाईवे से, बहुत सही है। एयरपोर्ट पे भी जाना है तब भी आराम से बंदा पहुंच सकता है 20 मिनट्स, और ये वहाँ पे हमने आपको दिखाया शीतला हॉस्पिटल बन रहा है, तो हॉस्पिटल भी है पास में, कनेक्टिविटी भी है, तो आने वाले टाइम में मतलब जो भी बंदे को रिक्वायरमेंट्स होती है ना, इस साइड ये सारा हॉस्पिटल है, ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये दिख रहा है ना। हाँ ये हम बैक साइड से जा रहे हैं, उस टाइम फ्रंट साइड से आए थे, वही तो कनेक्टिविटी इस साइड वो टाइप से की हुई है कि आगे कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो दोस्तों हम थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए यहाँ पे। देखा जाए तो वही देखो, अभी हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और ये कार को निकलना फिर भी बहुत आसानी मिल रही है दूसरे कार से कंपैरेटिवली। मैं सही बताऊँ ये गाड़ी इतनी सही लगी ना मेरे को आज बैठ कर, कहीं से निकाल लो बाइक की तरह। वही तो, इतनी प्रैक्टिकल कार है ना ये। अब ये देखो यहाँ पे हम आराम से बैठे हुए हैं, इतना लेग स्पेस है हम दोनों के आगे, इवन दो बैक सीट्स भी कंफर्टेबल है, आराम से 4 जने तो आराम से बैठ सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। 3 भी आ सकते हैं इजीली, 5 जने 5 सीटर में भी। ये गांव स्टार्ट हो गया खेड़की। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं गांव में, आप देख सकते हैं अभी ये तो MCD के अंडर आ चुका है ना सब, तो रोड्स तो सारे पक्की हो चुकी है इस एरिया में, अब तो सीवर भी डलने लग गए हैं कुछ कुछ एरिया में ना। अभी ये है ऑफ सीजन है ना, अभी गेहूं वगैरह सब कट चुका है। हाँ दोस्तों कचरे
कचरे देख लो भाई। नेक्स्ट फसल की तैयारी हो रही है, ये कटा नाज कटने के बाद भूसा निकला हुआ है, तूड़ा बोलते हैं हरियाणा में। तो ये फसल कट चुकी है ना, ये वाली सारी कट चुकी, जैसे ये कट के रखी हुई है एक दो दिन में निकाल देंगे इसको। ये रखा हुआ एक दो दिन में इसको निकाल लेंगे सारे। अब ये कब बीज दिए, अब नेक्स्ट सीजन के या कैसे? अब बस वो नेक्स्ट सीजन का लगेगा इसमें, मतलब अभी सीजन ऑफ है तो इसमें ज्वार वगैरह मक्का वगैरह लगती है, उसके बाद धान लगेंगे बारिश होने पे, चावल चावल जिससे होता है। ये गांव में डेयरी वगैरह है तो दोस्तों देख लो गांव की डेयरी, जो लोग गांव में नहीं आए डेयरियां देख लो। भैंस वैंस रख रखी थी वहां पे बढ़िया से। यहाँ का भी मतलब अगर ताजा दूध मिल जाए ना तो भी सही है, यहाँ तो सामने निकला हुआ लेके जाते हैं। वही तो, अब सिटी साइड पे क्या है ना कि वहाँ पे मतलब आप फ्रेश चीज कितनी भी कोशिश कर लो आपको फ्रेशनेस मिलेगी नहीं, मिलावट मिलती है भाई, मिलावट इतनी है ना आज के टाइम पे, विश्वास वाली चीज तो रह ही नहीं गई है आज के टाइम पे। छोटी छोटी गलियां गांव की, ये अब कट चुका है सारा, ये उपले रख रखे हैं बायोगैस। पुदीने की लस्सी मिंट, अरे वाह भाई पुदीने की लस्सी जबरदस्त भाई, ये चीज के लिए तो मैं भाई ऑलमोस्ट तरस ही गया भाई। वहाँ सिटी में तो अपना वही मिलती है, गांव में तो डेली का है, इसके बिना दिन ही नहीं निकलता। हाँ भाई सही है, लंच में जरूर चाहिए लस्सी। और भाई लस्सी भी देख रहे हो फुल पड़ा ग्लास भाई साहब, मस्त है। बाहर की दही ऐसी होती है जैसे ये लस्सी है। भाई पुदीने का टेस्ट ऐसे मस्त वाला आ रहा है जैसे कि इसकी फ्रेग्रेंस अलग ही रहती है ना, घर वाले की, बाहर जो रहते हैं उनकी नहीं रहती भाई। सही में एक नंबर है भाई, घर का ही है सारा। सही है सही है, अभी इतनी गर्मी में हम बाहर होके आए ना भाई, मज़ा आ गया। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भाई जई काटने, तो आ जाओ आपको जई काटते हुए दिखाते हैं, सो लेट्स गो भाई। यहाँ असली एडवेंचर तो यहाँ पे हो रहा है, घर पे बैठ के तो बस हम भाई ऐसे ही टीवी के आगे टाइम वेस्ट करते हैं, जीना है ना लाइफ तो ऐसे आओ भाई गांव में आओ, ये एक्सपीरियंस लेके जाओ, ये एक्सपीरियंस। धातरी ले लो भाई, तिखी पैनी होनी चाहिए, लो अपना काट के थोड़ा थोड़ा काट के इसको साइड पे रख लेते हैं। भाई इतना मज़ा आ रहा है ना, हम जिम में जाते हैं पैसे वेस्ट करते हैं, यहाँ वही खेतों में आके काम करो, असली मेहनत तो ये है, पर वही क्या कर सकते हैं भाई, सारे काम वाम होते हैं घर पे, सारे काम होते हैं जो वो होती है, तो भाई आना थोड़ा फिजेबल नहीं है, बट थोड़ा टाइम निकालो खेतों में भी घूम के आओ, थोड़ा मज़ा आएगा। अब भाई जो दूध हम पीते हैं पैकेट वाला दूध पीते हैं, पर जो असली दूध है ना वो तो यहाँ का मिलता है गांव का। थोड़ी सी जई काट ली है अभी,
अंकल जी लगे हुए हैं, जाके थोड़ा सा हाथ बटाते हैं अंकल जी का। आंटी जी प्रणाम। अंकल जी प्रणाम। थोड़ा थोड़ा मैं हाथ लगवा देता हूँ। अच्छा ठीक है भैया। यहाँ पे रख दिया हमने जई, थोड़ा सा भाई एक्सपीरियंस लेते हैं। एक हाथ से, एक से ही। अच्छा एक ही हाथ से करना भाई। नाम से करता है ये दस्तों का तारा भाई। जो जिम में होता है कार्डियो उससे ज्यादा बढ़िया है, हार्ड है, ज्यादा हार्ड है। और कम से कम ये कार्डियो करके किसी का फायदा तो हो रहा है। सारा फायदा है इसका, और क्या, जीने का मजा ही अलग है, नेचुरल खाने का, पशुओं का आहार हो रहा है, और क्या, एक जीव को हम खिला रहे हैं भाई। तो अंकल जी और अपने शरीर का बेनिफिट हो रहा है। ये देखो ना, ऑर्गेनिक तरीके से छाती चौड़ी हो रही है। वो भी है, और जो गाय भैंस का जो दूध है जो यहाँ गांव में मिलता है ना, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, मिलावट का नहीं है। इसके इसके बीज के अंदर ना दूध निकला है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और ये आप ये देख रहे हो जैसे मैं इसको कर रहा हूँ ना, तो खुशबू आ रही है, वो भी महसूस भी नहीं होता, ये काम करना महसूस नहीं होता, एनर्जी मिलती है इससे। एनर्जी तो मिल ही रही है, सुबह सुबह कार्डियो हो गया भाई। जिम में एनर्जी नहीं मिलती तो इसमें मिलती है। जिम में तो बस यही है, बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, गाने सुन सुन के काम करना पड़ता है। यहाँ देखो ना नेचुरली आवाज आ रही है। मैं तो अकेला ही काट लेता हूँ। हाँ सारे, कोई नहीं, आज मैंने हल्का सा हाथ लगवा दिया। मेरे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। अच्छी वो है, अच्छी तरह काट रहे। अब तो मैं आज ही करूँगा। जब मेरा थोड़ा एक्सरसाइज करने का मन करेगा ना भाई, आपका घर है, कभी आओ। तो दोस्तों वही है, सिटी में रहकर मजे वाली बात नहीं है। लाइफ लॉन्ग लाइफ नहीं, यही है लाइफ का। तो दोस्तों ये गेहूं निकल के आया है कल, ताज़ा ताज़ा, अभी धूप में रखा है सुखाने के लिए। उसके बाद इसको टंकियों में भरा जाएगा। आज वो आपको टंकी दिखाते हैं जिसमें गेहूं भरा जाता है। और गौरव भाई कितने टाइम के लिए ये स्टोर करके रख सकते हैं? पूरे साल के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर जब निकलेंगे। अच्छा अच्छा, तब तक। तो ये टंकी है, और भी टंकी है अंदर पड़ी है। तो ये इसमें जब वो ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें स्टोर किया जाएगा। और जैसे कि हम देख सकते हैं भाई, ये गांव में यही एक चीज़ शौकीनी चीज़ है कि फूलों की, फूल आपको एक से एक मिलेंगे। वैसे कल कटाई हो चुकी है, जो रोज़ थे उसकी कटिंग हो चुकी है। तो नहीं तो आप सबको दिखाते रोज़ेस, जो कि इतने इतने मोटे मोटे रोज़ेस थे। तो चलो आपको अंदर और दिखाते हैं कि और खेत जो है भाई का क्या क्या है, उसमें क्या क्या बीज रखा है। तो आ जाओ, लेट्स गो। तो दोस्तों ये अपना है भाई केले का पौधा, जो कि हो चुका है बड़ा और इसको फल भी लगा हुआ है। गौरव भाई ये कितने वक्त में लग जाता है फल इधर? इसमें 1-2 ईयर्स में, एक दो साल में एक पेड़ पे एक बारी पेड़ फल आता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो ये पेड़ कितना कितना साल का हो गया? ये अप्रोक्स 1.5 या 1.5 ईयर्स का ना। तो दोस्तों ये देखो राम तिलक का पौधा, इसमें देखो अलग से फ्लावर नहीं आया हुआ है, ये ना ये पत्ते के अंदर ही फूल जैसे शेड आया हुआ है। और ये अपना भाई बांस का बैम्बू, ये है ना, हाँ ये बैम्बू का पौधा। ये कड़ी पत्ता है ना, ये तो अपना, ये तो भाई सांभर में डाल के, सांभर पोहे में, इसके बगैर तो टेस्ट ही नहीं आता। तो ये भाई गुलदावरी के पौधे हैं, बट इसमें अभी फूल लगे नहीं ना अभी विंटर्स में। अच्छा
हाँ विंटर्स में लगता है ना इसमें। ठीक है तो दोस्तों अपने अमरूद का पेड़ है, इसको फूल पड़ चुका है, ऐसे फल निकलते हैं उसकी कटिंग हो जाती है और साल में मतलब दो बार ही इसको फल पड़ता है। तो ये रहा अपना वही गेंदे का फूल, प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा गेंदे का फूल। तो आपको मैं पुदीने का पूरा एकदम ऐसे गुलदस्ता दिखाता हूँ। अपना क्या है घर पे तो छोटा छोटा हम लगा लेते हैं पौधा, पर यहाँ देखो ये पूरा ऐसे फैला रखा है। ये चीज़ अपने को कहाँ सिटी में मिलती है भाई, इसको आप अपना लस्सी में डालो, चटनी बनाओ, परांठे में डालो भाई, ये फ्रेश फ्रेश है एकदम। तो ये सही है, अपना निकालो, ताज़ा ताज़ा निकालो, अपना मस्त चटनी और छाछ में डाल के मस्त मिक्स करो। तो ये अपना धनिया है, धनिया ना ये अभी तो इसको फूल पड़ा हुआ है। और ये क्या चीज़ है भाई, ये छोटा छोटा खाने के होते हैं, हिंदी में परपोटन बोलते हैं। परपोटन, तो भाई ये परपोटन है, खा के देखो एक, खा के देखते हैं भाई, जूसी जूसी सा है। खा के देखो, टमाटर जैसे लग रहे हैं, छोटे टमाटर जैसे, चेरी टमाटर। सही है। ये किसका पेड़ है, ये मैंगो एंड उसका आम और जामुन का, आम और जामुन का है, बट अभी तो ये छोटा लग रहा है मेरे को, है ना, लास्ट ईयर ही लगे हैं अभी। आम को मतलब 2-3 साल तो लग ही जाते हैं ना कम से कम, 4-5 ईयर्स। ठीक है। ये तो पालक लग रही है, पर ये मेरे ख्याल से ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, अभी पकने के लिए है, बीज बनेगा इससे। अच्छा बीज बन जाएगा, तो वैसे क्या करते हैं पालक का, जैसे अभी जैसे पक गई है। अच्छा अभी तो कुछ नहीं, वैसे कच्चे मारा सागर वो सब बनते हैं। हाँ वो तो सही है, अभी ये नेक्स्ट सीजन के लिए बीज रेडी हो रहा है। ये क्या चीज़ है, ये बथुआ, बथुआ ये भी पक चुका है क्या, ये अभी सब में बीज आया हुआ है। हाँ वही तो, ऑफ सीजन हो चुके हैं ये सारे अभी। सही है, ये तो संतरे का लग रहा है, संतरे नींबू किसका है, ये संतरे का है ना। संतरे नींबू में ना डिफरेंस निकालना बड़ा मुश्किल है, जो ये अपना संतरा और नींबू के पत्ते होते हैं ना, बहुत हल्का हल्का माइनर सा डिफरेंस होता है, मतलब जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो इतना डिफरेंस बता नहीं सकते। ये अपना किसका है पौधा, अनार का। तो अनार भाई ये पूछना था, अनार कितने वक्त में लग जाता है इस पे, तो 2 ईयर्स में आ जाता है, पर ये अभी मेरे ख्याल से अभी छोटा है, लास्ट ईयर ही लगा है ना। केले इसका सही लगा है, वो गुच्छा मस्त। तो दोस्तों ये भाई अपना ककड़ी का पौधा है, अभी इसको फूल लगे हैं, तो अभी फल लगने में तो टाइम लगेगा। तो ये रहा अपना, ये क्या सौंफ का लग रहा है, सौंफ का है ना ये भाई, ये इतना मस्त है ना, मतलब हम वहाँ पे खाते हैं ना सौंफ रेस्टोरेंट वगैरह में, वो तो आपकी पक्की होती है, ये देखो कितनी मस्त सॉफ्ट है भाई साहब, भाई बहुत अच्छी है यार ये मैं लेके जाऊंगा अभी। बढ़िया है, चुकंदर अंदर रखी हुई है, अंदर नहीं है ना, साथ के साथ खाने से पहले ही निकाल के। सही है। तो अभी भाई अभी लंच करेंगे, उसके साथ चुकंदर खाते हैं, फिर है निकालते हैं इसको। सारी पक्की हुई है ना ये, ऐसे खींच देते हैं इसको। अच्छा ये तो ऊपर ही थी, ठीक है दूसरी निकाल लो ये वाली ना। हाँ ये बढ़िया है, ये एक नंबर की है ये। अभी इसका भी ऑफ सीजन हो गया है ना, अच्छा खत्म है पहले ये सारे। ते चुकंदर खाते हैं अपना,
तो दोस्तों अब आपको भुट्टे का खेती दिखाता हूँ मैं, कॉर्न की, स्वीट कॉर्न। सिटी में तो भाई हम क्या है, अमेजोन से ऑर्डर करते हैं 30-40 रुपये का एक कॉर्न मिलता है। यहाँ से खेती दिखाते हैं आपको। भाई साहब क्या नाम है इसका? डिम्पी। प्यारी से डिम्पी। भाई ऐसे वफादार कुत्ते होने चाहिए। देसी है। हाँ भाई देसी है, एक नंबर का है भाई। भाई फुल मतलब एक्टिव है ये। तो दोस्तों ये रहे हमारे कॉर्न्स की, स्वीट कॉर्न्स की खेती। कितने टाइम में पक जाएगा ये? ये कमिंग एक महीने में हो जाता है। तो ऑलमोस्ट भाई एक महीने में पक जाएगा। अभी बोया था 10 दिन पहले। अच्छा अच्छा 10 दिन में अच्छा ग्रोथ हो गया इसका। और ये भाई अपना रिलैक्स करने के लिए पार्क, मॉर्निंग इवनिंग में योगा वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। वो देखो डिम्पी 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 का देख छोटा भाई। डिम्पी भाई साहब घूमता रहता है, साथ साथ रहता है। हाँ मजे कर रहा है डिम्पी पूरे भाई। बढ़िया यार, यहाँ तो मस्त सन बाथिंग लेने के लिए कितना सही है सर्दियों के वक्त। मॉर्निंग वॉक में के लिए। हाँ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं यहाँ पे, सन बाथ कर सकते हैं। और सर्दियों में बहुत सही है धूप सेकने के लिए, कितना सही है भाई। तो वही है सिटी में भाई, वो इतना सा एरिया होता है खड़े होने के लिए फ्लैट्स में जो लोग टंग के रहते हैं। पर अब क्या करें भाई, जॉब सबकी सिटीज में है क्या नहीं, गाँव सब दूर पड़ते हैं ये तो। बाकी ठीक है, अगर सबको मौका मिले तो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको डिम्पी से ना थोड़ी पास से मुलाकात पे कराते हैं। अरे डर रहे हो? कोई नहीं। तो देखो मस्त जा रहा है फुल भाई। ये फ्रीडम चाहिए जॉब्स को। सही है। तो दोस्तों भाई धूप हो गई है, अब अंदर जाके अपना भाई लस्सी वस्सी पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर खाना वाना खाते हैं। अभी दोपहर का वक्त हो गया। ये भाई अपनी बाइक खड़ी है। एक भैंस किधर की? इधर भैंस बंदी थी, भैंस स्कूल गई, उनका दिखा लेते हैं आज अंदर। अच्छा भैंस भाई स्कूल चली गई है। कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल जाती है भाई? 8 से 5। 8 से 5 ठीक है। तो आपको भाई भैंस का ये भैंस का है एरिया दिखाते हैं, ये उपले वगैरह सारी चीजें। ये उपले रखे हुए हैं, रखे हुए ये उपले। ये कितने टाइम में सूख जाते हैं धूप के ऊपर? अब दिन में तो धूप, गर्मियों में 3-4 दिन में हो जाते हैं। सही है, 3-4 दिन में सूख जाते हैं। फिर इसका मतलब क्या क्या यूजेज आता है? ये चूल्हे वगैरह पे भैंसों का जो खाना बनता है। अच्छा भैंसों का खाना वो इसी से बन जाता है। सही है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है ना। यहाँ पे क्या है? ये भैंसों का खाने का रूम, इसमें चारा भरा हुआ है। अच्छा अच्छा तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि चारा भर रखा है यहाँ पे। तो ये मतलब कितने टाइम तक स्टोर करके चल जाता है? 1 साल का स्टोर होता है। ठीक है। और जो फ्रेश जो करते हो वो अलग होता है? हाँ ग्रीन अलग होता है, ये सूखा हुआ दोनों मिक्स करके। ठीक है। ग्रीन दोनों? जो मॉर्निंग में काटता है वो डेली कटता है। ठीक है, मॉर्निंग वाला जो हमने आते देखा था काटते वो डेली। और ये वो जैसे अभी यहाँ रखा है, जैसे ये रखा हुआ है ये मॉर्निंग का। तो ये उपले ऐसे रख रखे हैं, ये सूख रहे हैं। सूख रहे हैं ना। सही है। बथेरी जगह है ये, खाली गाय भैंस का है सारा। और ये क्या लगा हुआ है? ये सेम की फली। ठीक है, फली जो सब्जी तूने कई बार खाई होगी। हाँ सेम। सही है भाई।
तो चलो दोस्तों चलते हैं अंदर। धूप बहुत ज्यादा हो गई है अभी। हाँ धूप हो गई है तेज, अब लस्सी वस्सी पीते हैं और लंच करते हैं। लंच ब्रेकफास्ट मिक्स ही हो गया है आज तो। अंदर छोटा सा गार्डन है। हाँ तो अंदर भी है भाई छोटा सा गार्डन, आपको गार्डन दिखा देते हैं। ये देखो ये नींबू का है। नींबू का वो चिल्ली के चिल्ली लगी हुई, वो बाद में चिल्ली के भी दिखा देंगे। इस पे ये लग रही है चीकू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटे छोटे चीकू लगे हुए हैं इसमें। प्यारे प्यारे से हम कह रहे थे ना गुलाब, ये गुलाब रहे, बट कटिंग हो गई है ना इसकी, कली कटिंग करी है, तब भी आप देख सकते हैं। रेड लिली थे अब सूख गए हैं। रेड लिली सूख गया तो ये उसका पौधा ना, ये अपने सदाबहार सदाबहार भाई देखो कितना प्यार से सजा के रख रखा है गुच्छा बना के। चिल्ली लगी हुई है ग्रीन, ये भाई ग्रीन चिलीज के हैं। देखो कितने कड़क खड़ी है भाई। सही है सही है। तितली देख लो भाई, तितली को देख लो। गांव का अंदर बाहर का है। तो दोस्तों ये रहा भाई गांव की एंट्री, यहाँ से आप देख सकते हो गांव का व्यू ले सकते हो। चलो लस्सी वस्सी पीते हैं भाई। तो दोस्तों खाना आ चुका है और खाने में क्या क्या है? खाने में है भाई आलू गोभी, मटर पनीर, लस्सी, वाइट मक्खन, गरम गरम रोटी। तो दोस्तों अभी हम खाते हैं मस्त मस्त गांव का घर का खाना भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन एडियोस, बाय 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 बाय, सी यू गाइस, बाय बाय।